हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकबाल आलम। आज मैं एक सर्कल और एक लाइन के अकॉर्डिंग में एक मंडाला आर्ट में बना रहा हूँ। वो कैसे हम लोग बनाते हैं, वो एक्चुअली उनका स्टेप क्या होता है, वो स्टेप वाइज जो हम लोग फॉलो करते हैं, वो एक सर्कल को हम कैसे सर्कुलेट करके बनाते हैं, वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चले आए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक पहले F5 से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है और एक लाइन है। ये दोनों मैं दोनों से मैं एक मंडाला आर्ट में क्रिएट करने वाला हूँ। मैं पी से पेज में सेंटर में ले लिया हूँ और ये लाइन का जो है ये भी पी से सेंटर में मैं ले लिया हूँ। ये मैं बीच वाले सर्कल को मैं सिलेक्ट करने के बाद ये जो पॉइंटर आ रहा है ये मैं ऊपर से एक रूलर में दे दिया हूँ और एक नीचे से ये लाइन को मैं सर्कल को सिलेक्ट कर टी से टॉप से लाइन में कर लिया हूँ और सिलेक्ट करके थोड़ा मैं ये हाफ हाफ द पार्ट में कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सर्कल आ रहा है जो एज है, ये एज को मैं यहाँ पे सेंटर में ला के प्लेस कर दी हूँ और ये कंट्रोल के साथ ये हैंडल को मैं घुमा करके यहाँ राइट क्लिक करके मैं पेस्ट कर दिया हूँ। और ये सेम चीज ये मैं ये गाइडलाइन को अभी मैं सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए करके मैं ये डिलीट कर दिया हूँ। अभी ये इन दोनों से मैं एक आर्ट रेडी कर रहा हूँ। सेम चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं शेप टूल लिया हूँ और ये दोनों को मैं सिलेक्ट किया हूँ नोड को और यहाँ पे ऐड नोड मैं कर रहा हूँ 1 2 3, यानी मैंने इतने सारे नोड्स ऐड किए हैं। ये नोड को मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सारे को मैं ये कर्व कर दिया, मैंने कर्व कर दिया है। सेम वाले मैं एक छोटे छोटे नोड को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करके मैं लेफ्ट अलाइन मैंने यहाँ पे ये लाइन को बना दिया। सेम लाइन को मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं प्लस का बटन में क्लिक किया और यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ पे सेप टूल में लिया हूँ, ये डायरेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सेम नोड को ऐड किया हूँ, कन्वर्ट टू कर्व करके आप ये लाइन को मैं एक और मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे एक नोड में और रेडी कर रहा हूँ, एक सर्कल में ले यहाँ पे लेता हूँ एस टू एज सिलेक्ट करके बॉक्स को टी टॉप से अलाइन में कर दिया और सी फोर सेंटर। मैं इसको लाइन से और ये शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पे ट्रिम कर दिया हूँ और ये कंट्रोल के यानी ब्रेक अपार्ट करने के बाद ये मैं लेफ्ट वाला डिलीट कर दिया। सेम चीज़ को मैं यहाँ पे नोट के साथ डिलीट कर दी और ये वाला नोट को डिलीट कर दूँ। ये नोट को पकड़ के मैं थोड़ा ये बना रहा हूँ पॉइंटर टाइप, ये वाले नोट को मैं यहाँ पे कर दिया हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट मेरा नेगेटिव टाइप का दिख रहा है तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं एक सर्कल फील कर रहा हूँ सेम वाले एज से यहाँ और सेम वाले एज को यहाँ, ये दोनों को कंट्रोल ए करना और यहाँ पर कर्व कर देना, यहाँ पर कर्व कर लेना। थोड़ा नॉलेज है अभी सेम वाले को मैं इधर से क्लिप कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा कलर फील कर ले रहा हूँ, ये दोनों को मैं अनग्रुप कर लिया हूँ।
ये दोनों को मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप किया। यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये नोड को आपको यहाँ पर सेंटर वाले पॉइंट पर लगा देना, ये सेम चीज़ को आपको राइट क्लिक करके कॉपी कर देना। ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये मंडाला आर्ट आपको इस तरह से क्रिएट हम लोग करते हैं। अगर इसके नीचे मैं ग्रेडियंट फिल करना चाहता हूँ तो मैं ग्रेडियंट फिल कर देता हूँ। थोड़ा मैं ये इसको ग्रीन में लिया हूँ, F11 से मैं ग्रेडियंट फील क्या हूँ, और यहाँ पे ये वाले बीच वाले को मैं कलर दे सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं एक्चुअली मंडाला आर्ट मैंने दिखाया है, और ये आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट में भी करके एक तरफ रख सकते हैं। ये आप राइट क्लिक करके कॉपी कर लें और ये अनफिल करके ये सारे को ब्लैक एंड व्हाइट कर लें। ये देखिए तो एक तरह से आपको एक मंडाला आर्ट और ब्लैक एंड व्हाइट का जो आप क्रिएटिविटी है आपको दिखने में आ गया होगा। आइए आपको ये मंडाला आर्ट समझ में आ गया होगा, और इस तरह से लाइन का पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट नई चीज़ें मैं बताऊंगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।